अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। और आज ईद का तीसरा दिन है और आज जो है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ। तो चलिए आज आपको नूरी वाटरफॉल दिखाते हैं, चलो। जूते तो चेंज कर। नूरी वाटरफॉल हरिपुर में वाक़ है और इस्लामाबाद से नूरी वाटरफॉल तक का रास्ता सिर्फ 65 किलोमीटर है। नूरी वाटरफॉल के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक इंडस हाईवे और दूसरा हज़ारा मोटरवे। लेकिन आज हम इस्लामाबाद की तरफ से जाएंगे पीर सोहावा के रास्ते से। 65 किलोमीटर के मुताबिक हमें एक घंटे में वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन पहाड़ी रास्ते की वजह से हमें 2 घंटे लगे। अब आते हैं रास्ते की गाइड की तरफ। सबसे पहले आपने मुनाल पहुंचना है और मुनाल के बाद आपने पहुंचना है डीनू वैली। डीनू वैली की थोड़ी देर के मुसाफत पर आपको ये वाला एंट्रेंस आपका इस्तकबाल कर रहा होगा और आप आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा के हुदूद में दाखिल हो जाएंगे। और किसी ने खूब कहा था कि इतना मज़ा मंजिल का नहीं है जितना मज़ा मंजिल तक पहुंचने में रास्ते का है। अभी हमने इधर थोड़ा सा स्टे किया, तस्वीरें शस्वीरें निकाली है, फोटो पहले बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ, तो जुड़ी है हमारे साथ आखिर तक वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं तो मिलते हैं वहाँ नूरी वाटरफॉल को, और साथ में रास्ते की खूबसूरती भी आपको दिखाते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। गाइस अभी हम नज़दीक आ रहे हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ और यहाँ पर जो है पानी हमें नज़र आ रहा है, बड़ा साफ शफाफ पानी है। मैं इसको बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी जाए यार, सबर नहीं हो रहा। आप पानी गंदा करने जा रहे हैं और इसको नहलाने जा रहे हैं क्योंकि ये 6 महीनों से नहला नहीं है। लेके नहीं जाएंगे जनाब आली, यहाँ पे खूबसूरती मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी खूबसूरती है यार यहाँ पे। बिल्कुल पहाड़ आप देखो, बल्कि ग्रीन ग्रीन, मौसम जो है बिल्कुल अच्छा है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, और आपकी बॉडी जो होती है वो खुद खुशहाल है इसमें। तो अभी हम वाटरफॉल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे खूबसूरती आपने देख लिया पिछले वीडियो में, कम नहीं है यार, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह।
ये व्यू गाइस आपको सिर्फ नूरी वाटरफॉल पर ही मिलेगी और कहाँ पर ही नहीं। तो अभी हल्का फुल्का ये दरिया है, पता नहीं पानी कहाँ से आता है, हम उस पर चल रहे हैं। और आबशार पे ज़्यादा वक्त नहीं गुजार क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ठंडा है तो आप बीमार पड़ जाओगे। हाँ ली है और पार्किंग से अब निकला है। अभी भूख बहुत लगी है क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और अभी हम खाने की तरफ जाते हैं। कितना भी नहीं है यार। रोज सूरज की आंखों में आंखें डालकर उसको याद करते हैं। उस सूरज की आंखें किधर हैं?